আদি যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সমাজ গঠনে কারিগর এবং শিল্পীর অবদান অনস্বীকার্য। তাদের কাজের সম্মান, সামর্থ্য এবং সমৃদ্ধি আনার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পিএম বিশ্বকর্মা যোজনার আয়োজন করেছে। এই উপলক্ষে শিলিগুড়ির হোটেল সেন্ট্রাল পার্কে পিএম বিশ্বকর্মা পরিকল্পনার আরম্ভ করা হয়েছে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী নিশীথ প্রামাণিক, অনারেবল মিনিস্টার অব স্টেট ফর হোম অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ইউথ অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড স্পোর্টস। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শ্রী রাজু বিস্তা, অনারেবল মেম্বার অব পার্লামেন্ট লোকসভা দার্জিলিং, ডক্টর শঙ্কর ঘোষ, অনারেবল এমএলএ শিলিগুড়ি। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। চলুন এই পরিকল্পনার ব্যাপারে আমরা জেনে নিই। ভারত, যাহা হামারে কারিগর আর শিল্পকার আপনে হাত কে কৌশল, উৎসাহ আর সমর্পণ দ্বারা পিঢ়িয়ों से हर भारतवासी के जीवन की रीतियों और संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। भावनात्मक रूप से अपने पेशे से जुड़े हुए गुरु और शिष्य की अद्भुत परंपरा के प्रतीक इन कारीगरों और शिल्पकारों की आकांक्षाएं इनके हाथों के हुनर की तरह सदियों से इनकी मुट्ठी में ही कैद रहती थी। पेशेवर प्रशिक्षण और आधुनिक औजारों की कमी, निवेश के लिए पूंजी तथा बाजार से दूरी समेत उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अमृतकाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में भारत सरकार देश के करोड़ों कारीगर भाई बहनों के जीवन में सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि लाने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ कर रही है। हमारे विश्वकर्मा साथियों के पारंपरिक कौशल को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक ढालने के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना बनाई गई है। इस पर लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे 18 अलग अलग तरह के हुनर से जो परिवार जुड़े हुए हैं, ऐसे परिवारों को हर प्रकार की सहायता दी जाएगी, उनको लाभ होगा। पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़कर हमारे सभी विश्वकर्मा भाई बहन उन्नति की नई ऊंचाई छू पाएंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस योजना का लाभ 18 प्रकार के पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार उठा सकते हैं, जिनमें सुथार, बढ़ई, नाव निर्माता, अस्त्रकार, लोहे का काम करने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, टोकरी, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, कॉयर बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले, जूता बनाने वाले, बाल काटने वाले, कपड़े धोने वाले, मालाकार, राजमिस्त्री और दर्जी शामिल हैं। पीएम विश्वकर्मा के अंतर्गत योग्य कारीगरों और शिल्पकारों को पंजीकृत कर उन्हें उनका पारंपरिक काम नए और आधुनिक तरीके से करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही उन्हें 15,000 रुपए तक की नई टूल किट भी प्रदान की जाएगी। अपने काम को बढ़ाने की महत्वाकांक्षा रखने वाले कारीगर इस योजना के द्वारा बिना कुछ गिरवी रखे केवल 5% की रियायती ब्याज दर पर 3,00,000 रुपए तक की लोन की सुविधा भी पा सकते हैं। इसके अलावा मार्केटिंग सहायता से हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों की भी दुनिया भर में पहुंच और पहचान होगी। कुल मिलाकर इस क्रांतिकारी योजना से हमारे विश्वकर्मा भाई बहन कौशल विकास और आसान ऋण द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हुए अपनी कमाई को भी कई गुना बढ़ा पाएंगे। आज हमारा देश डिजिटल इकोनॉमी में नए कीर्तिमान रच रहा है। ऐसे में हमारे कारीगर बंधुओं को भी विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से उस डिजिटल क्रांति में भाग लेने का मौका मिलेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना में अपना पंजीकरण करवाने के लिए
विश्वकर्मा भाई बहन अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र जाकर पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है। उनके दिए विवरण की पंचायत या स्थानीय निकाय, जिला तथा राज्य के स्तर पर सत्यापन, वेटिंग और अनुमोदन के बाद विश्वकर्मा भाई बहनों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना समर्पित है हमारे विश्वकर्मा भाई बहनों को, जो अमृत काल में खुद भी आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे ले जाएंगे, जिनके हुनरमंद हाथों को मिलेगा आत्मनिर्भरता का साथ, जो विकसित भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और मजबूत बनाएंगे। आज विश्वकर्मा दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम योजना के अंतर्गत यहाँ पे हम उपस्थित हैं। हम सब के लिए बड़ा दिन है और आज उन तमाम कामगारों को हम सम्मान करते हैं और जिन्होंने अपना जीवन जो है देश, समाज और लोगों को हित में हमेशा लगाया है, और जिन लोगों का सम्मान और जिनके लिए योजना बन रही है उनका पूरे देश में, पूरे समाज में, हम सब के गांव में, हम सब के व्यक्तिगत जीवन में बड़ा जो है उनका योगदान रहा है। लेकिन इतने साल तक जो है कहीं ना कहीं लोगों की नज़र उन पे नहीं गई। मैं बधाई देना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का, उनके ऊपर भी उनकी नज़र गई और जो वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक बार फिर उसको जो है सिद्ध करने का काम इस योजना के माध्यम से हो रहा है। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, मेरे बीच हमारे मंत्री भी है, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन संक्षिप्त में इस योजना के बारे में थोड़ी जानकारी आपके समक्ष रखना चाहूँगा। आज इस योजना का पहला चरण का उद्घाटन हो रहा है, जिसकी लॉन्चिंग स्वयं प्रधानमंत्री जी करेंगे और 18 ऐसे ऐसे कामगारों या प्रोफेशनलों को जो है इस स्कीम के अंतर्गत जोड़ा जा रहा है। 3 लाख से अधिक लोगों को पहले चरण में जोड़ा जाएगा। जैसा मैंने बताया है 13,000 करोड़ की टोटल स्कीम की राशि है और जो है जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो ऑथराइज रजिस्ट्रेशन भारत सरकार का होगा उसके अंतर्गत वो रजिस्टर्ड अपने आप को करेंगे, उनको 5 से 7 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके बाद किसी को एडवांस ट्रेनिंग करना हो तो 15 दिन की भी एडवांस ट्रेनिंग होगी। और इतना ही नहीं, जो लोग ट्रेनिंग में जो 5 दिन लगाएंगे या 15 दिन लगाएंगे हर दिन, क्योंकि उनकी रोज की दिहाड़ी जो है उनसे छीननी नहीं चाहिए, इसीलिए जो है हर दिन स्टाइपेंड के रूप में उनको 500 रुपया प्रतिदिन भी मिलेगा। ट्रेनिंग के पश्चात उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको आई कार्ड मिलेगा और इतना ही नहीं, उनको टूल किट के लिए 15,000 रुपये का, उनका जो प्रोफेशन है उनके हिसाब से उसके मुताबिक 15,000 का टूल किट भी मिलेगा। और इस योजना की सबसे बड़ी प्रमुख बात ये है कि जब कोई व्यक्ति ट्रेंड हो जाएगा और अच्छा अपने आप को बना लेगा और उसके बाद जो है उसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए तक भारत सरकार उसको लोन देगी सब्सिडी के रूप में, और उस लोन के अंतर्गत उसको सिर्फ 5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बैंक को पे करना पड़ेगा एनुअली। आज अगर आम आदमी लोन लेने के लिए बैंक में जाए उसको 12 से लेकर 15% देना पड़ता है, और इतना ही नहीं, जो NBFC से लेने कोई चला जाए 18-20% तक उसको लोन देना पड़ता है, साहूकार से लेना जाए तो हर महीने उसको 10% देना पड़ता है, यानी एक साल में पैसा डबल हो जाता है। लेकिन भारत सरकार जो इस MSME के अंतर्गत आपको लोन देगी उसमें सिर्फ 5% एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। और इतना ही नहीं, इसके लिए आपको कोई कोलेट्रल या कोई गारंटर बन के आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके गारंटी देने का काम जो है भारत सरकार और प्रधानमंत्री जी और ये डिपार्टमेंट करेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन एवं मार्गदर्शन से भारत सरकार द्वारा टूल किट बुकलेट्स का विमोचन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 18 प्रकार के मुख्य शिल्प एवं व्यवसायों को चिन्हित कर इन व्यवसायों की संपूर्ण जानकारी 27 टूल किट बुकलेट्स द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इन बुकलेट्स में कुल 249 टूल्स की सूची उपलब्ध है।
इन बुकलेट्स में नए औजारों और व्यवसाय में सहायक नई प्रौद्योगिकी से संबंधित जानकारी है। ये बुकलेट 12 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। इन बुकलेट्स में व्यवसाय संबंधित टूल्स के वीडियो भी उपलब्ध है, जिसे देखकर विश्वकर्मा भाई बहन अपनी कला को और निखार सकते हैं। अंत्योदय के विजन को साकार करता, लाखों शिल्पकारों व कारीगरों को सशक्त करता, पीएम विश्वकर्मा। আমাদের দার্জিলিংকে যদি আমরা দেখি অনেকগুলো ক্লাস্টার হাব তৈরি হয়েছে অ্যান্ড আমরা উৎকর্ষ বাংলার মাধ্যমে আমাদের শিল্পী ও কারিগরদেরকে অ্যাডভান্স ট্রেনিং দিচ্ছি, যেখানে ওরা যদি কিছু শিখতে চাইছে, কেউ আইটিআই জয়েন করতে চাইছে, পলিটেকনিক জয়েন করতে চাইছে, করতে পারে। অনেকগুলো আইটিআই আর পলিটেকনিকও খোলা হয়েছে গভর্নমেন্ট থেকে অ্যান্ড আমরা অনেকগুলো রুরাল এন্টারপ্রেনারশিপ হাব তৈরি করেছি, যেখানে হ্যান্ডিক্রাফট হাব, টি গ্রোয়ার হাব, পাইনঅ্যাপল প্রসেসিং হাব ইত্যাদি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে মানে শিল্পী ও কারিগরদের ইনকাম যেটা আছে 3-4 গুণও বেড়ে গিয়েছে। একটা নতুন স্কিম, আর একটা নতুন স্কিম যেটা আছে, ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড। ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে যারা 18-55 বছরের যেটা শিল্পী আছে, কারিগর আছে, তারা 5 লাখ পর্যন্ত লোন পেতে পারে, সফট লোন পেতে পারে, 25,000 পর্যন্ত গভর্নমেন্ট থেকে সাবসিডি পেতে পারে। আর আমরা মার্কেটিং জন্যও এসএসজিদেরকে, কোঅপারেটিভদেরকে পারমানেন্ট স্টল দিচ্ছি, বিশ্ব বাংলা, মঞ্জুষা, বঙ্গশ্রীর মাধ্যমে ওনাদেরকে মার্কেটিংয়ের জায়গা দিচ্ছি। আমরা একটা পোর্টাল তৈরি করেছি, যেখানে শিল্পী ও কারিগর গিয়ে অ্যাপ্লাই করতে পারে, একটা সার্টিফিকেট পাবে আইডেন্টিটি জন্যে। জয় বাংলা স্কিম অধীনে তারা 1,000 টাকা মাসে পেনশন পেতে পারে। স্বাস্থ্যসাথী আমাদের স্কিম আছে, যেখানে যদি শিল্পী ও কারিগর নিজের মেডিকেল ট্রিটমেন্ট জন্য মেডিকেল ইন্স্যুরেন্স পেতে পারে। অ্যান্ড আমাদের বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা আছে, যেখানে ওরা মানে সোশ্যাল সিকিউরিটি ইন্স্যুরেন্স পেতে পারে। তো আমরা এটাই আশা রাখছি যে আমরা এমএসএমই ডিপার্টমেন্ট থেকে যতগুলো স্কিম আছে সব মিলিয়ে আমরা শিল্পী আর কারিগরদেরকে আরও উন্নয়ন করতে পারি। এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম, ধন্যবাদ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি বক্তব্য আজও আমাকে ছুঁয়ে যায়। তিনি একবার বলেছিলেন যে বিরাসত আর বিকাশ, অর্থাৎ একসাথে আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার এবং আমাদের উন্নয়ন করতে হবে। আর সেই উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি বলেছিলেন আত্মনির্ভর ভারত আমরা গড়ে তুলব, যে ভারতের অসংখ্য যারা ছেলেমেয়েরা আজকে বড় হচ্ছে তারা কাজ চাইবে না, তারা কাজ দেবে। আর এই কাজ দেওয়ার প্রক্রিয়া, অর্থাৎ নিজের পায়ে নিজেকে দাঁড় করানোর প্রক্রিয়ার নামই এই যে আজকে যে প্রকল্প পিএম বিশ্বকর্মা স্কিম, সেটা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে প্রধানমন্ত্রী তিনি আজকে ঘোষণা করবেন। তাই প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, তিনি আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলবার কথা শুধু বলেননি, তার জন্য তার ব্যবস্থাও তিনি দেশের মানুষের সামনে রেখেছেন। তার জন্য আমরা নিশ্চিতভাবে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করতে চাই। সাথীয়, ভগবান বিশ্বকর্মাকে আশীর্বাদ সে আজ প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা কা আরম্ভ হো রহা হ্যায়। হাত কে হুনর সে, औजारों से, परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। मेरे परिवारजनों, इस योजना के साथ ही आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी, जो आज दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए है आशा और विश्वास भरा ब्राइट स्पॉट।
भारत जहां 140 करोड़ सपने हैं और 140 करोड़ धड़कनों का एकजुट सामूहिक सामर्थ्य, जहां आज सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण के लिए समर्पित एक अभूतपूर्व और युग दृष्टा नेतृत्व है। आज का नया भारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप लगातार एक के बाद एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत विश्व पटल पर भविष्य के अवसरों का अधिक से अधिक लाभ उठाए और दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए विश्व मित्र के रूप में उभरे। ये सिर्फ एक कन्वेंशन सेंटर, एक एक्सपो सेंटर ही नहीं है, बल्कि देश और दुनिया के व्यापार कारोबार का एक जीता जागता वाइब्रेंट केंद्र होगा। इस व्यापक विजन को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2018 में जिस परिकल्पना की आधारशिला रखी थी, आज यशोभूमि के रूप में साकार हो चुकी है। जिस प्रकार का काम यहां हुआ है, उसमें मेरे श्रमिक भाइयों और बहनों का, मेरे विश्वकर्मा भाइयों बहनों का तप नजर आता है, तपस्या नजर आती है। मैं आज यशो भूमि को, देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। एक एमन समय सन्धिक्षणे आमरा उपस्थित होयेछि जखन सारा देश जुड़े आपनारा जानें जे एकटा स्वर्णिम मुहूर्त आमरा अमृतकालेर मध्य दिए चलछि। एकदिके देश अर्थनैतिकभावे सक्षम होच्छे, विश्वेर मानचित्रे भारतवर्षेर उज्जवल जे अवस्थान सेटा उज्जवल थेके आरो उज्जवलतर होच्छे। सेई समय दाड़िये जखन एकदिके इनफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी डेवलपमेंटेर कथा माननीय प्रधानमंत्रीर दूरदृष्टिर माध्यमे आमरा देखते पाच्छि जे एकदिके जेमन सेई क्षेत्रे एकटा आमूल परिवर्तन होच्छे, एकटा रेभल्यूशन होच्छे, सेई संगे संगे कर्मसंस्थानेर कथा चिंता करे आपनारा देखछेन जे किभाबे लक्ष लक्ष युवकदेरके सरकारी काजेर संगे जुक्त करे, विभिन्न मंत्रालयेर संगे जुक्त करे, विभिन्न डिपार्टमेंटेर संगे जुक्त करे कर्मसंस्थानेर व्यवस्था करा होच्छे। ठीक एकई संगे संगे माननीय प्रधानमंत्री समाजेर समस्त श्रेणीर मानुषेर कथा जेमन मने राखेन, ठीक एकई भावे समाजेर जारा विश्वकर्मा रयेछे, जारा कारीगर थेके शुरू करे, शिल्पी थेके शुरू करे, स्वर्णकार थेके शुरू करे, राजमिस्त्री थेके शुरू करे, जारा विभिन्न काजेर मध्ये जुक्त रयेछेन, तादेर कथा माननीय प्रधानमंत्री भूले जाननि। एकबार आमरा जदि भेबे देखि जे आजके आमादेर समाजे जारा प्रतिनियत आमादेर समाजके निर्माण करबार चेष्टा करछे, आजके जदि आमरा भाबि, अगर आज हम सोचे कि उस नायकी बाद जो एक पेड़ के नीचे छाता लगा के, छतरी लगा के अस्थाई रूप से बैठते हैं, अगर हम सोचे उसकी बात जो समाज की राजमिस्त्री या फिर दर्जी हो, वो हमारे जीवन को सहज करने के लिए किस तरह से अपनी सेवाएं देते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि उसकी इस सरल व्यक्ति का, इस सरल लोगों का जीवन का जो बुनियादी, उन लोगों का जो डिमांड है, जो चाहिदा है, उसको पूरा करने के लिए कितना मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है।
और आज माननीय प्रधानमंत्री उनके बारे में सोचा। बहुत सारा पारंपरिक ऐसा कार्य है जो विरासत में मिलते हैं, बहुत सारा ऐसा शिल्पकर्म भी है जो विरासत में मिलते हैं, उसको सम्मान करने के लिए और उस शिल्पकारियों हो या फिर विरासत में मिले कई भी काम हो, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना, इसका प्रारंभ, इसका शुभारंभ आज भगवान विश्वकर्मा की पूजन के दिन आज ये शुरू करने वाले हैं। और देश भर की हजारों करोड़ों जो लोग हैं, जो विभिन्न समाज के काम के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे वो नाई हो, चाहे शरणकार हो या फिर कारीगर हो, सभी को सुविधा मिलने वाला है। आपका इस लोकसभा का माननीय जो सांसद है राजू बिस्ट जी ने विस्तार से इसके बारे में चर्चा किया। लगभग 13,000 करोड़ से भी ज्यादा लागत इसमें पहली चरण में इसका बजट है और आगे जाके सभी समाज की सभी कर्मियों का जो 18 क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है, सभी लोगों का स्किल डेवलपमेंट से लेकर उनका जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी डेवलपमेंट से लेकर आधुनिक टूल्स का जरूरत पड़े तो उसको भी देकर इस 18 जो क्षेत्र की जो लोग हैं इनका जीवन को और इनका कर्म क्षेत्र को और सुनिश्चित करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का ये योजना लागू हुआ है। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है। हाथ के हुनर से, औजारों से, परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों परिवारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है। हमारी सरकार अपने विश्वकर्मा भाई बहनों को और उनका सम्मान बढ़ाने का, उनका सामर्थ्य बढ़ाने और उनकी समृद्धि बढ़ाने के लिए आज सरकार एक सहयोगी बनकर के आपके पास आई है। यशो भूमि को देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। जिसे कोई नहीं पूछता उसके लिए गरीब का ये बेटा मोदी उसका सेवक बनकर आया है। सबको सम्मान का जीवन देना, सभी तक सुविधा पहुंचाना, ये मोदी की गारंटी है।